हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास जो है व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है तो मेरे पर मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ऊपर नोटिफिकेशन आता होम स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या स्टेप्स को फॉलो करके आपके पास जो है व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन चालू हो सकता है। तो चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जानते हैं कि क्या स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो आपने व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड टॉप पे आपके पास 3 डॉट आ रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो है व्हाट्सएप की सारी सेटिंग्स वगैरह आ जाती है, जो कि आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपके पास मैसेज आ रहा है नोटिफिकेशन का, आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर सबसे पहला मैसेज आ रहा है कन्वर्सेशन टोन्स, आपका जो ऑफ है इसको जो है ना आपने ऑन कर लेना है। नहीं तो अगर ये ऑन भी हो तो फिर आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड टॉप पे 3 डॉट्स है, उसके बाद आपने उस पर क्लिक करते ही जो है ना रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स का मैसेज आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते यहाँ पे मैसेज आ रहा है रीसेट ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग्स इंक्लूडिंग कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग्स फॉर योर चैट। तो यहाँ पे जो है सारी की सारी जो सेटिंग्स है नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी रीसेट कर देगा। हमने इसको जो है ना सिंपली यहाँ से रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा। अगर जब भी नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने होम स्क्रीन पे चले जाना है। होम स्क्रीन पे जाते ही जो है ना यहाँ पे आपके पास जो व्हाट्सएप का लोगो आ रहा है, आपने इसको जो है ना थोड़ा सा होल्ड करना है आइकन को। जैसे ही आप आइकन को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ऐप इन्फो का, आपने ऐप इन्फो पे जाना है। आप जैसे ही ऐप इन्फो पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नो आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इस पे जाना है नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे जाने का शो नोटिफिकेशन हमारा टर्न ऑफ है, हमें इसे ऑन कर लेना है और उसके बाद जो सारी सेटिंग्स है यहाँ पे सारी हमारी ऑन हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे देखे स्क्रॉल करेंगे तो चैट्स में शो नोटिफिकेशन हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पे अब जो है हमारे पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। हम चेक करने के लिए हमने दूसरा व्हाट्सएप बिजनेस खोला और हमने जो है यहाँ पे मैसेज सेंड करा। जैसे ही मैसेज सेंड करा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हमारे पास नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है आना, यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। अगर उसके बाद भी जो है आपका नोटिफिकेशन नहीं आते आपके पास फोन पे तो आपने फिर क्या करना है, व्हाट्सएप को आपने अनइंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करना है। लेकिन आप अनइंस्टॉल से पहले आप व्हाट्सएप का बैकअप जरूर ले लेना, चाहे वो गूगल ड्राइव पे हो या फिर जो लोकल फोन पे जो बैकअप होता है आप वहां से भी उसका बैकअप ले सकते हो, जिसके कारण से आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो व्हाट्सएप के अंदर। बैकअप लेने के बाद आप सेम सेटिंग्स करेंगे तो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि व्हाट्सएप आपको अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही जो है ना आपकी ये दो सेटिंग्स जो है आपको इजीली व्हाट्सएप नोटिफिकेशन अलाउ कर देगी। एक तीसरा तरीका और है, अगर आपको जो है व्हाट्सएप आइकन नहीं मिल रहा, आपको दिक्कत आ रही है, तो आपने क्या करना है, फोन की सेटिंग्स में जाना है। फोन की सेटिंग्स में जाएंगे, आपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज एप्स है, आपने इस पे जाना है। यहाँ पे जितने भी सारे एप्स आपके फोन पे इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखला देगा। आपने सर्च एप्स में जाकर व्हाट्सएप आपने टाइप करना है और यहाँ पे आपने व्हाट्सएप पे जाना है। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाएंगे सेम सेटिंग्स आ जाएगी सारी की सारी, आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन नोटिफिकेशन पे जाकर जो हमने ऑन किया था वो सेम सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है। तो आपने जो है व्हाट्सएप आइकन होल्ड करोगे तो वहां से भी आप जा सकते हो, नहीं तो फोन की सेटिंग्स के अंदर एप्स में जाकर भी आप जो है व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को आप अलाउ कर सकते हैं। सो ये तरीके होते हैं व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को चालू करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।